हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और बच्चे स्कूल में चले गए हैं और मैं बैठी थी बाहर, और मौसम एक नंबर का हो रहा है। ता हुआ भी चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, हाथ चुभन वाला कौन है। उन तई मना खाने में, लंच में के बनाया, परांठे लेके गई हैं। रितिका कुछ नहीं लेके गई, उसने ना चाय पी ना दूध पिया, कुछ नहीं ला खा के गई ना कुछ पी के गई। अनी अपना लंच भी कर गया और अपना ले भी गया, और नाश्ता भी कर गया ले भी गया। तो चलो, ये थोड़ी देर यड़ा बैठी थी, मैं कहला थोड़ी देर सांस ले लूँ बैठ कर आराम था, क्योंकि ना 6 बजे उठी थी, अरीब 7:30 बजे से 1.5 घंटा किचन में खड़ी रही, काम लागी रही बालका का। और ये करूँगी मैं किचन की सफाई, किचन में बर्तन बर्तन सब कुछ नहीं हुआ पड़ा। मका थोड़ी देर चाय पी लूँ, चाय पी बैठ कर ना और नाश्ता करा मन ने भी। और यही थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में, बर्तन बर्तन और किचन साफ करूंगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस। मौसम देख लो कितने बढ़िया फूल खिल रहे हैं, हवा तक कौन है पर मतलब ऊपर तक ऐसा लगा जो कि तो बरस रहा है, सारे पेड़ पौधे खुश हैं, थोड़ी थोड़ी हवा है। इसमें चाहे तो गली में ना लागती होगी, इसमें मतलब यड़ है गैलरी में, पर ठंड है। किचन में साफ कर रखा है पर बर्तन रह रही है। पहला बर्तन उठाऊंगी और फिर ये बर्तन साफ करूंगी दूध दाद के। कूड़ा भी डाल आई हूँ तो इसमें भी पन्नी वगैरह लगा कर रखूंगी। तो चलो मिलते हैं, एक बार किचन का काम और निपटा लूँ। मैंने सब्जी काट ली है और चारों तरफ बस चंद्रयान चंद्रयान हो रहा है। भगवान करात सफलता तय उतर जा, और सुबह तो यो ही लाग रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है तो बीच बीच में रुक जा है। और सब्जी मैंने सारी काट ली हैं, खीरे काट दिए, टमाटर काट दिए, ये खराब मिर्च है मिर्च छाट ली, और इसमें बीन्स काट कदर दी क्योंकि खराब ना होंगी भी, कल बन जाएंगी। और मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, तो आलू काट लिए गोभी काट ली। चलो बनाते हैं सब्जी। तो गाइज मैं नहा धो ली हूँ, सर भी धोया है और बारिश आ रही है। मैं कहूँ थी ना बारिश का मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, बारिश का मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, तो चली भी गई आकर, नहीं तो ना मैं नहाई, एक आधी बूंद सी पड़ा ही। तो मैंने सब्जी बिना छोकी है क्योंकि तेल निकाला है, तेल गर्म कराया है पहला कढ़ाई में, और वो ठंडा उलेगा ना, और उस ना अचार में डाल लूंगी, उसके बाद सब्जी छोकूंगी, फिर कढ़ाई ना होगी ना उसकी तेल की। ये वो ठंडा होना रख दिया है, गर्म तो मना कर दिया है, रख दिया यार है हवा में पंखे की, उबल गया था यो सरसों का तेल, और यो डल लगा अचार में, और कई दिन हो गए मन गाल लिया ना ही पे। और यो मैंने सुबह आटा लगा कर रख दिया था, साथ साथ में मखा एक कब लगा दूँ। सारी चीज़ तक काट पीट कर दर रखी है, सब्जी 2 मिनट लगेगी छोकते। चलो इतना मैं अपना सर सुखा लूँ थोड़ी देर। इस बारिश आ रही है, जड़ सा लाग रहा है, हर बढ़िया है। कई दिन थी खूब गर्मी में मारे, खूब परीक्षा ली भगवान ने भी कती। चलो इस माने ठंड तो होगी, बारिश हो रहा था ना, तो इतने परेशान हो रहे थे एक बुजो में, बहुत गर्मी हो रही थी बहुत गणी, और जित लाइट ना रहती उड़ा देखो उड़ा देख कती तप्पे थे कती, इतनी कोट हो रही थी एक बुजो में। तो दिखाऊ मैंने आपने तेल मैंने डाल दिया है इसमें, सब्जी छोकू हूँ। तो गाइज मैंने इसमें तेल डाल दिया है, दाब दाब का ना, यो सहज सहज नीचे चला जाएगा इसमें, तो देखो ये बुलबुले से उठा तो ये नीचे जा है, ठंडा हो गया था प्रॉपर, तो मैंने ये इसमें डाल दिया है। और मैंने चला ली है गैस और रख ली है इसको, एक बार है ना पहला चुन्नी चानी लिया मुँह बांधन थी, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है वे मिर्च भून का ना, जीरा गेर कर मिर्च भून का ना सब्जी बनाना, क्योंकि वह बहुत टेस्टी लगा मैंने ये मिर्च फिर उस सब्जी में। चलो गाइस सब्जी छोकते हैं, और मैंने लगा लिया है मास्क, जीरा, पहले इसमें जीरा डालूंगी और इस तरह बना के देखियो, फिर इसमें डालियो मिर्च, और ये मिर्च भूल जाना, जब इसमें डालेंगे हम हल्दी, क्योंकि हल्दी फिर बढ़िया रंग दे है, और फिर डालूंगी इसमें टमाटर, इसके बाद डालेंगे इसमें हींग,
नहीं पाछे डाला करो क्योंकि फिर तेल गला ना उसकी सारी खुशबू उड़ जाए। उसके बाद डाल देंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मैंने ये भी गर्म पानी में बेकर रख रखी थी गोभी भी, इनका भी पानी निकाल दिया है। पर मुंह का जो कुछ बांध लियो जब ये मेरे से मिल छोको ऐसे मात्रा में सही डाला और ये पीछे फिर डालूंगी मैं इसमें ये और सूखा ये एक चम्मच सूखा धनिया भी घेर दिया क्योंकि ना इसमें खत्म हो रहा था वो मैंने इसमें घेरा है। देखो टमाटर बढ़िया गाढ़ा हो गए हैं और तेल तेल में कम गे रहा करूँ। आप अपने हिसाब से गैस को हो नुका कर तेल छोड़ दे जब तो तेल तेल तो ये छोड़ दो ना पर टमाटर बहुत बढ़िया हो गई है। और गर्म पानी में गोभी बेकदर ले है ना तो फिर भी सिर दस होना गाई मन ये डर रखी थी इसमें आलू थोड़े से ज्यादा नहीं गे रहे हैं क्योंकि रिचि का आलू आलू खा गई मैं गोभी ना खाया करो। और गड्ढा की जो गोभी हो ना उसकी खाली गोभी की सब्जी बना कर देखियो इतनी टेस्टी बना है। पर क्या करे बच्चे यही आलू खा रहे हैं और इस टाइम पर गाइड महंगी भी है गोभी या इतनी सी गोभी है एक छोटी सी 50 रुपए की थी। तो चलो इसमें ढक्कन रख दी देखो कितना बढ़िया कलर आ गया ना। अगर आप प्याज प्यूज कुछ और नहीं खाते हो और मसाले भी नहीं खाओ हो गर्म वगैरह कुछ भी हल्दी एक बार तेल में घेर कर देखियो तेल में जो हल्दी घेर रखना वह रंग छोड़ दे अपना तो एक नंबर की सब्जी बनेगी कभी। देखो गाइस पसीने सोमवीर जी ने बोले रोटी बना ले और बह कभी चाल पड़ा सिंदूर भी इतने पसीने आने लग रहे कति तो रोटी थोड़ी सी रह रही है रोटी भी बन गई है सब्जी तब पहला रोटी बना दी है क्योंकि वे नू बोले के रोटी बना ले पहला मैं ना खाऊं ना तो चलो इकट्ठे खा लेंगे क्योंकि दो ही रह रहे हैं बच्चे तो स्कूल में गए मन्नर सोमवीर जी ने खानी है तो रोटी भी बन गई है गाइस हर पसीने देख लो बारिश आ रही है के कर गर्मी तो वह है। तो गाइस सब्जी बन गई है रोटी भी बना ली थी मैंने और खीरे भी काट लिए थे लस्सी भी लिया हूँ तो खाना खा लो गाइस मेरा और सोमवीर जी का इतना हम खा ले मैं और सब्जी बहुत टेस्टी बन रही है और बहुत बढ़िया लग गाइस बच्चे आ गए थे स्कूल में तो और 5:30 हो रहे हैं तो मन सोची मैं चाय बना लूँ चाय बन गई है रितिका भी आ गई थी और बर्तन वर्तन भी साफ कर दिए हैं इब्बा करे हैं तो जो चंद्रयान थरी उतरेगा तो फिर नहीं उठूँ मैं कई देर थी इतना उसका कुछ नहीं हो वालेगा और सुबह तो हाथ जोड़न लाग रहे हैं भगवान सही उतर जा क्योंकि हमारे देश का ये फायदा है इसमें बहुत सारा। तो चाय पीते पीते उन्हें देखेंगे 5:30 तो ऊपर टाइम हो लिया है 45 पाओगा 5:45 पे और 6:04 पे कितने पे वो उतरेगा। तो चलो आप भी जरूर देखियो और हम भी देखेंगे और बच्चा ने भी दिखाऊंगी क्योंकि बच्चा की भी बहुत जरूरी है। तो चाय मेरी बन गई है मैं डाल लूँ एक बार। तो गाइज अभी हमारा ये चंद्रयान उतरन वाला है फ्री लैंडिंग होगी सीधा हो गया है यो पहला घूमा था ना गोलाई में टेढ़ा था जब यो तो गाइस बस 500-450 मीटर रह गया है बस उतरन वाला है बस कति। तो गाइस बस उतरन वाला ये है प्रधानमंत्री ने भी ताली बजा दी सब ने ताली बजा दी गाइस गाइस उतर गया लागे है ओ बेटे अंतरिक्ष में भारत की है ऐतिहासिक उपलब्धि होगी गाइस प्रधानमंत्री ने भी देखो झंडा लहरा दिया है ओ कोई भी नहीं गया कोई भी देश नहीं गया इतनी गाइस वाह मजे आ गए कती।
हनी ताली बजा दे। हनी ने ताली बजाई गाइस, खुशी का माहौल गाइस। तो गाइस ये रोटी खाने नाटक दोनों बन भाई, तो मैंने कर दी है तैयारी चावल की। रोटी का छोक ही छोक ही नहीं, तो मैंने टमाटर काट दिए हैं, आलू भी काट दिए हैं, सारी चीज रेडी करके कर दी है और साथ में चावल भी धो दिए हैं, ठीक है। और मेरे स्कूटर ला गई थी, इतना मैंने चला रखे हूँ तेल गाले बेटे, और छोक के पानी वानी भी कर दिया। इतना मेरे दो चार बर्तन है, इन साफ करूंगी, इतने यहाँ छोक देगी, मेरे से भी कूट दी है। चश्मा ला नहीं पाई आज। छोक दिए हैं रितिका नरमन ने गए लाख है, और जितने भी बर्तन बर्तन हुए ना साथ साथ में कर दिए, या छोकती रही और मैं उन बर्तन बर्तन नरसब क्या है ना साफ करती रही, तो दो माँ बेटी लग गए जब काम तो जल्दी हो जा। तो चलिए मिलते हैं गाइज। देखो ती मिठी बेटा, देखो गाइज एक नंबर की बन रही इनकी राला वाली दही। अरे ना दिखा भी दे गाइज ने भी किसी दही। छोड़िए इस नकल है, देख कितनी बढ़िया दही जम रही है कती। और मेरे बाल का नहीं सी पसंद बोले, अरे आप कैमरे के पीछे रहे सब मुंह चढ़ावा नु करके कती। तो चावल बन गए हैं गाइस, और सोमवीर जी भी आ गए हैं ड्यूटी पे, तो बहुत बढ़िया समय है कती, एक नंबर का कुकर खुल रहा है गरम गरम। नीचे तो मत गाल ले, नीचे तो के मैं यार रे तो मैं पड़े ही ये मावला ले। टमाटर सस्ते हो रहे तो कितने करवा ले भाई। फिर मैं महंगे हो चाहे सस्ते, मैंने तो जितने पड़ा मेरे तो उतने पड़ा है। घी नहीं चडोली बड़ी 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 डोली का घी खत्म हो गया मेरे गल है। बस बस और गल थोड़ी मेरा जी ना करता बस। Yes, what are you doing? वो नीचे खत्म हो गया डोली का। इसमें भी ना, इसमें नहीं छोटी डोली बड़ी तरी बेटा ऐसी स्टील की दवा। अच्छा या चाहिए या एक कर घी मैंने थोड़ा भर दिया। गोलवा क्या की बापड़ी है घी है के हो ना तने 1000 रुपया में घी है बेटा, घी 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 प्योर घी जिसने कहा करे कती गां का देसी। अरे तेरे गाल दी सारी पापड़ी, इसमें पक्का कुछ है। अरे नीचे भी है, नीचे तो गाल तो दिया ही बे गाल दे चम्मच। इतना ना खाना जा इके पा में चोट चाट लाग रही है, दे देती ना मिक्स तो कर दे, मतलब सारे खा भी लूं मैं। अरे ना हुआ है हम जा हाँ, कुत्ते तो बिस्कुट गए जो बताऊं थी ना झाड़ा लगवा का आए हैं, उसमें बता रखी है कि कुत्ते ती खवाने हैं ये जितने भी पैकेट दे रखे हैं। तो चलो एक बार गे रहा हूँ इनने खा ले खा ले, ये तो खाए ना रही कुत्ती, कुत्ता है कुतिया है, खा ले ये हमने देख कर ना खाओ पाछ खाओगी ना खाओ थी देखी खान लग गई। तो गाइस गे रहे हैं कुत्ते ने बिस्कुट, और ना अगर ना खाओ पीछे तो खान लग गया। चलो कबाड़ बंद कर दो गाइस, मैं गे रही हूँ और अगर ना खाओ कुत्ता बिस्कुट मुंह फिरते खान लग गया। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट। 'Cause lately I've been thinking about your love.